दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप संख्यान ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 4 बार के सांसद रहे और वर्तमान केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कोई भी बड़ी परियोजना लाने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इतनी भयंकर आपदाएं और अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार में आपदा पर हिमाचल का पक्ष रखने में असफल रहे। संदीप संख्यान ने कहा है कि केंद्र की सरकार हिमाचल के हितों से खिलवाड़ करती रहती है और केंद्रीय मंत्री चुपचाप देखते रहते हैं। संदीप संख्यान ने कहा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को सारे सवालों के जवाब अब देने होंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 4 बार के सांसद और केंद्रीय काबीना मंत्री अनुराग ठाकुर जी से मैं पूछना चाहूंगा कि केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों से खिलवाड़ करती रहती है और संसद के अंदर आप चुप रहते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 3 जिला आते हैं, जिला बिलासपुर, जिला ऊना और जिला हमीरपुर, और इसके साथ मंडी जिला का विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर भी आता है, और उसके साथ 2 विधानसभा क्षेत्र जो हैं हमारे जिला कांगड़ा के आते हैं। मैं अनुराग ठाकुर जी से ये जानना चाहता हूँ और जो इस संसदीय क्षेत्र की जनता है, आप एक चीज बता दीजिए कि आप कौन सी ऐसी बड़ी योजना लेके इस संसदीय क्षेत्र में आए जिससे युवाओं का जो रोजगार मिले, बेरोजगारी मिटे, या कौन सी ऐसी विकासात्मक योजना लेके आए, और आपने कौन सी योजना के लिए इन 17 विधानसभा क्षेत्रों में आपने धन मुहैया कराया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता पूछना चाहती है। मैं तो यहां तक कहूंगा माननीय मंत्री जी कि जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी आपदा हुई बीती बरसात में, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 9,990 करोड़ रुपए, करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए का मूल्यांकन करके बाकायदा आपकी केंद्र सरकार को दिया गया। और मैं ये कहता हूं कि आपने उस 10,000 करोड़ रुपया जो आपदा यहां क्षति हुई थी उसके पक्ष में भी आप नहीं बोल पाए केंद्र के अंदर, और उसके बाद ये इतनी बड़ी असफलता आप लोगों की है, आप क्यों बार बार हिमाचल के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हिमाचल के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप केंद्र के अंदर हिमाचल के हितों की, हिमाचल में हुई जो आपदा है उसके लिए उसकी बात रखने में आप बार बार असफल हुए हैं। अब लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं। अभी पीछे आपने खेलो इंडिया के नाम का एक बड़ा इवेंट हर जगह पे किया, ये ठीक है, बच्चे जाएं खेलें, शारीरिक क्षमता को बढ़ाएं और स्पोर्ट्स में लोग आगे जाएं, लेकिन आपने उसका भी राजनीतिकरण कर दिया। आपने उसको पूरा के पूरा जो है वो एक पर्सनल इवेंट बना के और उसकी राजनीतिकरण कर दिया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है कि आपको पांचवी बार, किस तरह से आपको पांचवी बार यहां से लोकसभा में भेजा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। आपको इसका जवाब जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।